गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 19 हाशिए पर पहुंच गए, समुदाय एवं सामाजिक न्याय पार्ट करेंगे। हमने इसमें मौलिक अधिकारों का प्रयोग में जाएगा तक पढ़ लिया है, अब हम आगे करेंगे। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं, जिस इस तरह यदि दलित को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। तो जब क्या होता है, जब कभी भी दलितों को ये लगता है कि उनके साथ जो लोग हैं वो अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, उनके समानता के अधिकार को छीना जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, दलित लोग मौलिक अधिकारों का सहारा लेकर सरकार को इस बर्ताव की कंप्लेन करते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं कि वो उनके हित में कोई फैसला ले। इसी प्रकार मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। इसी तरह जो मुसलमान हैं और जो कुछ अल्पसंख्यक समुदाय हैं हमारे देश में, उन्होंने भी क्या किया है, मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है अपने हित के लिए। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर बल दिया है। उन्होंने क्या किया है, धर्म और संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के लिए के अधिकार के लिए उन्होंने बल दिया है सरकार को। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान पारसी तथा सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। और जहाँ तक शैक्षणिक और संस्कृति का के अधिकारों का प्रश्न है, तो क्या हुआ है, उनको ये अधिकार मिला हुआ है, सांस्कृतिक और धार्मिक समूहों को इस बात का अधिकार मिला हुआ है जिससे कि वो अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। ठीक है, आगे देखिए। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय को कैसे प्रोत्साहन मिला है। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें क्या करती हैं, जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं जो बाकियों से अलग हैं। ऐसी योजनाएं जो उनके हित के लिए हैं, उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलितों और आदिवासी